ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैं खुद भी पर्सनली सैनिटाइजर यूज करता हूँ। इवन मेरे जो गेट पे भी हमने सैनिटाइजर रख रखे हैं, हमने बड़ी वाली बॉटल भी रखी 5 लीटर वाली एंड उसको हमने गेट पे ही रखा हुआ। उसको हम स्प्रे में बाबा रिफिल करते हैं, कोई भी अंदर बाहर जाता है उसको अच्छे से स्प्रे डालते हैं। इवन कोई कोरियर भी आता है हमारे, उसको अच्छे से सैनिटाइज करने के लिए उसको यूज करते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है दाल में कुछ तो काला है, तो मैंने सोचा यार हमें थोड़ा टेस्ट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि फेक और रियल सैनिटाइजर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने कुछ अपना रिसर्च किया, कुछ पर्सनली टेस्ट करके देखे एंड मेरे को ये 5 रीजंस मिले जिससे हम बता सकते हैं कि आपका सैनिटाइजर असली है या नकली। सो लेट्स पुट अप आवर ग्लासेस एंड स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1 है फायर टेस्ट। फायर टेस्ट सबसे, मैं कहूँगा सबसे एसेंशियल पॉइंट है, क्योंकि ये लोग ये चीज़ सब लोग नहीं कर सकते इंस्टेंटली एंड ये करने में वैसे इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं आपको बहुत ही कन्वीनियंटली दिखाने वाला हूँ कि आप फायर टेस्ट घर पे कैसे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको सिर्फ एक माचिस और एक कटोरी की जरूरत है। फायर टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि अल्कोहल जो होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो अपने सैनिटाइजर का मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो अल्कोहल आपको जैसे पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो अल्कोहल को अगर हम फायर के पास लेके जाएंगे तो इजिली बर्न होता है, चाहे वो लिक्विड के अंदर मिक्स क्यों ना हो। एंड हमारे सैनिटाइजर के अंदर अबाउट 70% एज पर WHO एंड गवर्नमेंट 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम इसका फायर टेस्ट करेंगे, हम पता करेंगे कि हमारे जो सैनिटाइजर्स है उसके अंदर है या नहीं, वो अच्छे से बर्न होते हैं या नहीं। तो फायर टेस्ट हम देख लेते हैं, आइए। तो गाइस, यू कैन सी, सबसे पहले हम फेक वाला सैनिटाइजर ले रहे हैं। एज यू कैन सी, इसमें मैंने कोई ब्रांड का लेबल नहीं लगाया जिससे किसी को मैं डिफेम ना करूँ। तो हमने इस पर स्प्रे कर दिया है एंड इस पर हम मैच स्टिक पास लाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पास लाती ही इसने फ्लेम कैच कर ली है। ऑल दो आपको देख नहीं रही है तो मैं एक बार लाइट्स ऑफ करके भी आपको दिखा दूंगा। इसने फ्लेम कैच कर ली है, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं किया। देखो, आप देख सकते हैं लाइट्स ऑफ करने के बाद आपको फ्लेम दिखेगी, ब्लू कलर की फ्लेम है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली जल नहीं पा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिव्स डाल रखे हैं जिससे अल्कोहल का इसके अंदर जो कंटेंट है वो मेरे को कम लग रहा है। एंड एज यू कैन सी, ये एक्सटिंग्विश हो गई है, लेकिन इसका लिक्विड अभी भी बचा हुआ है इसके अंदर। इसमें थोड़ा और स्प्रे करके एक बार मैं इसको फिर से जलाने की कोशिश करूँगा। हम फिर से मैचिक इसके पास लेके आया हूँ, लेकिन इस बार भी बर्न होने के बाद ये तुरंत ही एक्सटिंग्विश हो गई। तो ये था फेक वाला हमारा सैनिटाइज़र। इसके बाद हम अब रियल वाला सैनिटाइज़र भी एक बार ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि मैंने फेक वाले को 2-3 बार ट्राई करके देख लिया, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं जल नहीं रहा है ढंग से। अब ये रियल वाला सैनिटाइज़र है हमारे पास, इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डाल के रखा हुआ है, बहुत थोड़ा सा ही डाला है एंड इसमें थोड़ा ग्लिसरिन का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा देखने में। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली एकदम बर्न हो रहा है एंड इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्लेम जा रही है आ रही है, ये कंसिस्टेंटली एक ही फ्लेम पे बर्न हो रहा है एंड एकदम क्लियर फ्लेम आ रही है इसमें। एंड ये तब तक बर्न होएगा जब तक ये पूरा मटेरियल यूज़अप नहीं हो जाता। इसके अंदर अराउंड 70% से थोड़ा सा ऊपर ही अल्कोहल होएगा, लेबल पे 70% लिखा था। इसको अगर मैं स्प्रेड भी कर दूंगा तब भी ये बर्न होता रहेगा एंड तब तक ही बर्न होएगा जब तक पूरा कम्प्लीटली यूज़अप नहीं हो जाता, लास्ट में इसमें कुछ नहीं बचता। तो ये था एक नॉर्मल सा फायर टेस्ट, एक सिंपल से इक्विपमेंट सा, अपने घर पर भी करके देख सकते हैं इसको। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा इवेपोरेशन। हम जो भी अल्कोहल की एक और प्रॉपर्टी होती है, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये इवेपोरेट करता है। तो इवेपोरेशन के लिए हम नॉर्मल सा टेस्ट है, हमें कुछ नहीं करना, अपना सैनिटाइजर लेना है, अपने हैंड पे स्प्रे करना है, 2-3 स्प्रे मारिए एंड उसको हल्का सा रब कीजिए एंड देखिए वो इवेपोरेट होता है या नहीं। अगर वो जल्दी से इवेपोरेट हो रहा है तो मतलब अच्छा है आपका सैनिटाइजर है एंड उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट अच्छा है। अगर उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट अच्छा नहीं है, कम है या ना के बराबर है, तो वो पानी की तरह आपके हाथ पे लगा रहेगा एंड बहुत देर लगेगा वो इवेपोरेट होने में। इवेपोरेट हो भी जाएगा तो कम्प्लीटली इवेपोरेट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रेजिड्यूज रह जाएगी। रेजिड्यूज एज इन, अगर उसके अंदर कुछ और केमिकल्स मिला रखे हैं, कुछ और चीज़ें मिला रखी है, ऐसे ग्लिसरीन वगैरह भी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिए उन्होंने, तो उसके इवेपोरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मोस्टली जो फेक हमारे सैनिटाइजर्स बनते हैं उसके अंदर यूजली वो लोग कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं डालते, बस वो बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का क्वांटिटी कम करते हैं जिससे उनको और सस्ता पड़ जाए। क्योंकि एज यू नो आजकल डिमांड इतनी सारी है, लोगों को बल्क में उठाने हैं, कोई 1000 लीटर उठा रहे हैं, कोई 2000 लीटर उठा रहे हैं, तो अगर आपका 2 रुपये भी प्राइस कम होता है पर 100 ml तो आपको काफ़ी फायदा है इसके अंदर। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये हो गया, इवेपोरेशन होनी चाहिए आपके इसके अंदर। आसानी ऑल इट गेस। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा कूलिंग इफेक्ट। तो ये इवेपोरेशन से कहीं हद तक रिलेटेड है। तो थर्ड पॉइंट कूलिंग इफेक्ट इसलिए है कि अगर आपकी बॉडी से कुछ भी इवेपोरेट होता है, तो मतलब आपकी बॉडी जो लेटेंट हीट है उसको वो ट्रांसफर कर रहा है इवेपोरेशन के थ्रू, तो आपको हल्का सा कूलिंग इफेक्ट भी फील होना चाहिए जो आपका जो सैनिटाइजर है आपकी बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है। तो आप जब स्प्रे करोगे आपको स्प्रे करने का हल्का सा फील होगा कि आपका हाथ ठंडा ठंडा लग रहा है। अगर ठंडा ठंडा ना लगे तो मतलब वो फेक है। तो ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आपको ठंडा ठंडा लग रहा है तो वो है रियल, अगर ठंडा ठंडा नहीं लग रहा तो वो है फेक। तो आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है स्मेल। तो आपने अपनी बॉडी पे सैनिटाइजर मार लिया, आपको इवेपोरेशन भी फील हो रही है एंड आपको ठंडा ठंडा भी फील हो रहा है,
लेकिन उसके बाद भी अगर आपको टेस्ट करना है, अगर आपको क्विक टेस्ट करना है, तो आपको जो स्मेल है थोड़ी पंचेंट सी स्मेल आएगी. नॉर्मल आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए कि नॉर्मल सैनिटाइजर में आजकल बहुत फ्लेवर डाले कि किसी के अंदर मोगरे की, किसी के अंदर लैवेंडर की स्मेल डाल रखी होती है, उस स्मेल से कंफ्यूज मत कीजिए. अल्कोहल की स्मेल थोड़ी सी पंजेंट होती है, मतलब आपके नोज आके अलग से हिट होती है, जैसे थिनर की स्मेल होती है या फिर आपने पेट्रोल पंप में पेट्रोल की थोड़ी सी स्मेल सूंघने की कोशिश की होगी तो अलग से हिट होती है. तो नॉर्मल सैनिटाइजर में आपको वाली पंजेंट स्मेल नहीं आएगी. एंड अगर आपका रियल सैनिटाइजर उसके अंदर 70% अल्कोहल है तो आपको वो स्मेल आएगी. लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ये बस नॉर्मल है कि एज एन कंज्यूमर आपको हमेशा चेक करना चाहिए आप कहाँ से अपना सैनिटाइजर बाय कर रहे हैं. अगर आप किसी रेप्यूटेड फार्मेसी से बाय कर रहे हैं, जैसे कि अपोलो फार्मेसी हो गया, या फिर आपके पास कोई अच्छी फार्मेसी है जिसे आप रेगुलरली लेते हैं, तो उनसे सही है, उनसे ही लीजिए. आप किसी रोड साइड वेंडर से मत लीजिए, या फिर आपके किसी फेसबुक से मत लीजिए, या फिर कोई व्हाट्सएप आजकल ग्रुप्स बहुत बन जाते हैं उसमें सैनिटाइजर लोग बेचते हैं, आप उनसे मत लीजिए. आप कोशिश कीजिए किसी रेप्यूटेबल सोर्स से ही लीजिए, क्योंकि उससे क्या फायदा होगा, देखो उनके पास उनको बिल से ही खरीदना पड़ता है बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज से. अगर कोई भी बिल पे खरीदेगा तो एक ऑथेंटिकेशन का प्रूफ है कि उनके पास एक बिल का सोर्स है, एंड अगर उन्होंने किसी ने भी गलत माल बेचा है तो उनके पास जाके वो रिटर्न कर सकते हैं. तो वो भी कोशिश करेगी कि उनको असली ही माल दे. तो आप रेप्यूटेड सोर्सेज से खरीदें. अगर आपके जानने वाला भी अगर सैनिटाइजर प्रोड्यूस करता है, आप उनसे भी पता कीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आपने सैनिटाइजर खरीदा है. अगर किसी लोकल ब्रांड का भी है तो उसके पीछे कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि इसके अंदर कितना परसेंट अल्कोहल है, आपकी फैक्ट्री के बारे में थोड़ा हमें बताइए, उनसे जानकारी लीजिए. आप पैकेजिंग पे देखिएगा आपका जो सैनिटाइजर प्रॉपर्ली सील्ड है. इवन अगर आपका सैनिटाइजर हल्का सा लूज भी है तो उसमें से अल्कोहल अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है. ये मिस्टेक मैंने भी करी है, क्योंकि मैंने 5 लीटर का कैन लिया था, उसके अंदर 80% अल्कोहल था, लेकिन ओवर द टाइम वो हल्का सा लूज बंद हुआ था एंड उसके अंदर से जो अल्कोहल था वो वैपोरेट हो गया था सारा. तो आप हमेशा कोशिश कीजिए अपने अल्कोहल का ना सील टाइट बंद करके रखिए एंड स्प्रेयर यूज कीजिए. स्प्रे वाले अल्कोहल से बेस्ट होते हैं. स्प्रे वाले मैं भी खुद पर्सनली स्प्रे वाले प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कहीं भी अगर आपको बॉडी में मारना हो, अगर आपको लगता है कहीं से कॉन्टैक्ट आया हो, तो डायरेक्टली आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं. एंड आजकल अच्छी फ्रेगनेंस के साथ भी आते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सैनिटाइजर्स अब कहीं नहीं जा रहे, अगले 2-3 साल भी अब हमारे लेक्चर का पार्ट बन जाएगा सैनिटाइजर्स. तो अब अभी से ध्यान रखिए कि आप इन सारे 5 पॉइंट्स का ध्यान रखो. अगर 5 पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे तो आपको कभी फेक मिलेगा ही नहीं. एंड मैंने कोशिश की कि जल्दी से एक ही वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करिए, एंड ये नहीं कि मैं हर एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक ही वीडियो में 5 पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए. एंड आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आप अपना सैनिटाइजर कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो असली है या नहीं. तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड कुछ भी आपको अगर कोई दिक्कत है या फिर आप भी कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो, नीचे कमेंट्स में को जरूर बताना. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता चल जाएगा. लेकिन कमेंट जरूर करना अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट है ऐड करने के लिए, ठीक है. एंड हाँ, अगर आपको असली सैनिटाइजर्स खरीदने में कुछ लिंक्स एंड सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं. मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किया उनको एंड वो 100% असली है.